हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कैंपेन पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट्स के सेक्शन के अंदर और ऑल एक्सपेरिमेंट्स में। यहाँ पे आपको जितने भी आपने पास हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, आप न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस मैक्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दो कैंपेन को क्लब करके जो क्या करेगा मैयर दी पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्स। ये मैयर करेगा पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या आ रहा है परफॉर्मेंस मैक्स पे। उसके बाद आप वीडियो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वीडियोस इन योर कैंपेन, के आप डिफरेंट वीडियोस चला के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कौन सी अच्छा परफॉर्म करेगी कौन सा नहीं करेगी। उसके बाद कस्टम एक्सपेरिमेंट, या आप अपने मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कैंपेन में इसके थ्रू। ऑप्टिमाइज टेक्स्ट ऐड, के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मल्टीपल टेक्स्ट ऐड दे के और चेक कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो हो गई एक्सपेरिमेंट्स ओवरऑल। अब एड वेरिएशंस में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप मल्टीपल एड्स बना के उसकी वेरिएशन बना के उसका एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं। अभी मैंने आपको कैंपेन बताया, अब मैं आपको एड की बात बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, कैंपेन कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। तो मैं आपको ये मैंने कैंपेन सिलेक्ट कर ली, डन कर लिया इसको। फिल्टर अगर आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं कोई भी, ठीक है, जो आप अपने हिसाब से इसको रखना चाहें, के क्योंकि आपको किस हिसाब से वेरिएशन लगानी है, किस हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करना वो चेक करके, कि मैं कहता हूँ मुझे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लगाना है और जो भी कंटेन होगी वो इधर लगा देंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इधर लगा सकते हैं। मैं इसको फिल्टर को अभी इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं उसको कंटिन्यू करके यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर आ रहा है कि फिल्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं ऑल यूआरएल्स पे रखता हूँ इसको या फाइनल यूआरएल पे रखता हूँ, और फाइनल यूआरएल मैं कौन सा लगाता हूँ अपने होम पेज का। ठीक है, ये मैंने फाइनल यूआरएल लगा के इसको कंटिन्यू कर दिया, बैरियर खत्म हो गया। उसके बाद मुझे वेरिएशन क्या करनी है, फाइंड एंड रिप्लेसमेंट में जाके कि ये मुझे टेक्स्ट ऐड करना है जो हेडलाइन में हो, ठीक है, या जो डिस्क्रिप्शन में हो, या जो जिस भी जगह हो वो उस पे आपने मैच केस लगा के, ठीक है, अगर आप रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी जो हेडलाइन है उसमें से मोबाइल का जो वर्ड है उसको मैच करो पहले और रिप्लेस कर दो मोबाइल्स से। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है, और इसको डेट रेंज देता हूँ, ठीक है, कि वेरिएशन जो मैंने लगाई उसका नाम क्या है, कि चेंज नेम फ्रॉम मोबाइल टू मोबाइल्स। ठीक है, और इसको क्रिएट वेरिएशन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये एक वेरिएशन क्रिएट होगी कि जो मैंने क्या किया, मैंने जहाँ पे भी मोबाइल आएगा उसको मोबाइल्स के साथ रिप्लेस कर देगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा आप कस्टम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वो जो पहले मैंने आपको बताए कि आप कस्टम एक्सपेरिमेंट्स अपने हिसाब से इन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह कस्टम एक्सपेरिमेंट्स के बाद परफॉर्मेंस मैक्स एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर वीडियो एक्सपेरिमेंट एंड देन परफॉर्मेंस टारगेट। ठीक है, जो जो आपने टारगेट सेट किए होंगे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट्स करते क्या है। नटशेल करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते ये है कि अगर मैं ये कैंपेन अभी तो चल रही है, मैं थोड़ा सा चेंज करूँ या कुछ वेरिएशन डालूँ इस कैंपेन के अंदर तो ये कैसा बिहेव करेगी, ये एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, ये मैं बता रहा होता है, स्पेंडिंग एज इट इज ही हो रही होती है उस पर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर।